हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज डोडो का जो काम है वो है शॉर्ट्स गन का। आप देख सकते हो वो लगा चुकी है उसमें शॉर्ट्स और बहुत डर लग रहा है उसको चलाते हुए। और उसके एक्सप्रेशन देखो, मतलब सबसे जब इतना डर लग ही रहा है तो भाई कर क्यों रहे हो। और उसके बाद डोडो को मिल गया ये एलोवेरा का प्लांट। ये डोडो का अपना लगाया हुआ प्लांट है। इसने किया क्या है ना, जो बड़े वाला एलोवेरा का प्लांट था उसमें से छोटे छोटे प्लांट निकाल के उसने ये वाला प्लांट बना लिया है। कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये है डोडो के कुछ उल्टे सीधे काम। यहाँ से निकाले उसने छोटे छोटे से एलोवेरा के प्लांट, छोटे छोटे से जो होते हैं ना, वो निकाल के उसने क्या किया, एक छोटे से पॉट में मिट्टी भरी और उसमें ऐसे लगा दिया। अच्छा टाइम पास है, आजकल बच्चों के पास यही काम है करने के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने क्या देखा ना, मैंने पीछे जो कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, डोडो ने उसकी बेडशीट लेके ऐसे झूला बना दिया और अपने सारे टॉयज उसमें भर दिए। वाह, मतलब मेरे लिए एक और काम बढ़ा दिया उसने। और अगर आपको डोडो 5 मिनट में नहीं दिखाई देती है ना, तो समझो डोडो ने कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम पक्का कर लिया होगा। और हमारे घर में है ना, ये एंटरटेनमेंट का एक बहुत ही अच्छा क्यूट सा जरिया है जो है डोडो रानी। वो कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है कि हम सब भी उसके साथ बिजी हो जाते हैं। खैर, अब मैं चली मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ इडली सांभर। और इडली जो कि मैं पहले से प्लान नहीं किया था बनाने के लिए, इसलिए मैंने रात को दाल चावल नहीं भिगोए। तो मैं लेकर आऊँगी यहाँ पर उसका जो रेडीमेड मिक्सचर होता है, मैं वो ले आऊँगी। और यहाँ से मैं थोड़ी बहुत सब्जी सोच रही थी लेने के लिए, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ से सब्जी खरीदी है और इडली बैटर लिया है और लिया है बच्चों के लिए न्यूट्रीफिट। क्योंकि अगर मैं बाहर कहीं आती हूँ और उनके लिए मिष्टी दही, आइसक्रीम या न्यूट्रीफिट नहीं लेकर आती, तो उनके लिए तो मतलब बेकार है, मम्मी कहाँ गई है, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर मम्मी बाहर गई है तो हमारे लिए ये तो ज़रूर लेकर आए। यहाँ मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं और यहाँ मैं लाइन में लगी हुई हूँ बिल बनवाने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ घर और सब चीज़ें निकालने के बाद मुझे लगा मुझे बच्चों को न्यूट्रीफिट दे देनी चाहिए ताकि वो थोड़ा सा खुश हो जाए। अच्छा लगता है अगर आप कहीं बाहर जाओ, कुछ भी छोटा मोटा बच्चों के लिए लेकर आओ, तो उनके फेस पर जो मतलब एक हैप्पीनेस होती है ना, वो देखने वाली होती है, खुश हो जाते हैं वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से। तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। और उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर सांभर की। अच्छा, मैं जो सांभर बनाती हूँ ना, वो बहुत जल्दी का होता है, मतलब आधे घंटे में आपका सांभर रेडी हो जाता है। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी अरहर की दाल भिगो के रखी थी, तो वो मैंने कुकर में डाल दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ घिया जो कटी हुई रखी थी। और घिया ऐड करने के बाद मैं इसी में ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डाल दूँगी। मतलब मैंने यहाँ पर टमाटर भी ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज भी ऐड कर दूँगी। तो सारी चीज़ें जो है ना, मैं सांभर में जो स्टार्टिंग में ही डाल देती हूँ, इससे सांभर के टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही कम टाइम लेता है ये बनने में। और उसके बाद मैं यहाँ सारे मसाले ऐड कर दूंगी। मसाले मीन्स आपने यहाँ पर नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, सब चीज़ें ऐड कर देनी है। और अगर आपके पास इनके सांभर मसाला नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना सांभर मसाले के भी ये सांभर बहुत ही टेस्टी बनेगा। बस उबलते हुए आपको इसमें थोड़ी सी इमली डाल देनी है। अगर आप इसको भिगो के डालना चाहो तो भिगो के डाल दो, और अगर ऐसे डायरेक्ट डालना चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी डाल सकते हो। और उसके बाद 3 से 4 मैंने सीटियां लगवाने के लिए उसको दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ मैंने निकाल लिया है स्टीमर और थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। बैटर को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिला लूँगी। क्योंकि होता क्या है, कई बार बच्चे सांभर खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो सूखी इडली भी खा लेते हैं तो उन्हें अच्छी लगती है। तो इस वजह से मैं बैटर में नमक ज़रूर ऐड करती हूँ। और अच्छे से मैंने यहाँ मिला लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर लिया।
बस इसके बाद में जो इसके मोल्ड होते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ ताकि इडली चिपकेगी नहीं, बहुत ही अच्छी परफेक्ट इडली बनेगी। तो अगर भी आपका अचानक से मन करे कि आपको इडली खानी है ना, तो इससे बेटर ऑप्शन हो ही नहीं सकती। 1 किलो का बैटर आई थिंक सो 120 रुपीज़ का आया था और उसमें कुछ आपकी 30 इडली बन जाएगी और आधे घंटे में इडली बन के आपके तैयार हो जाएगी। 15 मिनट आपको स्टीम करने में लगना है इडली को। और यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से फैला लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर उसकी आधा आधा चम्मच कुछ बैटर ऐड करने वाली हूँ। और अगर आप चाहें तो बैटर कम ज़्यादा कर सकते हो, मतलब अगर आपको छोटी इडली चाहिए तो आप कम बैटर डालो, अगर आपको बड़ी इडली चाहिए तो मैं क्या करती हूँ उसका पोना जो है ना वो मोल्ड को भर देती हूँ ताकि थोड़ी सी बड़ी बड़ी इडली बने। बैटर भरने के बाद मैंने मोल्ड को इस तरह से असेंबल कर दिया है अच्छे से और पानी गर्म हो चुका है स्टीमर में और अब मैं इसको स्टीमर में फिट कर दूंगी। और यहाँ मैंने स्टीमर को उतार लिया है, इसमें पानी गर्म हो गया। अच्छा, यहाँ पर मेरे से एक ये गलती हुई थी कि मैंने स्टीमर को यहाँ पर पहले ही बंद कर दिया, मतलब पानी गर्म होने के लिए ना आपको इसको बंद नहीं करना, ओपन रहने देना है। अब इसमें स्टीम भर गई तो बहुत मुश्किल से खुल पाया था मुझसे ये, तो आपको ये गलती नहीं करनी मेरी तरह। तो ओपन आप इस पानी गर्म करो, उसके बाद इसमें आप मोल्ड को रख दो और 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर स्टीम होने दो। अब साइड बाय साइड मैं क्या कर रही हूँ, अपने मॉर्निंग की स्मूदी बना रही हूँ। मॉर्निंग में यही वाली स्मूदी मैं और मेरे हस्बैंड पीते हैं, तो उसमें मैं थोड़ा चकुंदर, घिया, टमाटर, इसमें पालक और धनिया है और आंवला भी होता है कई बार, वो ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं ये स्मूदी बनाती हूँ। तो ये हमारा डेली का रूटीन है, मतलब पहला वाला जो हम मील लेते हैं वो ये वाली स्मूदी ही लेते हैं। और आजकल तो बल्कि पीहू को भी क्या कहें, उसको पनिशमेंट मिल गई है क्योंकि डॉक्टर ने बोला है थोड़ा सा उसमें आयरन कम है। अगर आप देखते हो मेरे रेगुलर व्लॉग तो मैंने एक कढ़ाई खरीदी है, उसी में ही मैं अपनी मैक्सिमम खुली वो वाली सब्जी बनाती हूँ जो सूखी सब्जी होती है ना, जिससे आयरन कहते हैं अच्छा हो जाता है अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ। तो इसमें मैंने चकुंदर सिर्फ पीहू के लिए ऐड किया है ताकि वो डॉक्टर ने बोला उसको चकुंदर और पालक का इस तरह से स्मूदी देने के लिए। तो यहाँ मैं ये स्मूदी बना चुकी हूँ। तो यहाँ पर आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आप भी ये बनाना चाहते हो तो। ये बनाने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च ऐड कर देती हूँ। तो ये हो गई है मेरे हस्बैंड के लिए। और इसके बाद मैं जो तैयारी करूँगी वो करूँगी पीहू के लिए। तो आप समझ ही सकते हो अगर बच्चों को देनी है तो बच्चे तो बिना छाने पी ही नहीं सकते क्योंकि उनके मुँह में ये जो रेशे आते हैं तो उन्हें वो पसंद नहीं होता। इनफैक्ट बिना रेशे के भी पीहू को ये जूस उतारने में मतलब अपने गले के नीचे आधा घंटा लग जाएगा, जब तक 5-6 बार में से वो डांट नहीं खा लेगी तब तक वो पिएगी भी नहीं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा दे रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने ये बोला था ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप उसको 1 गिलास 2 आधे गिलास से कम भी आप उसको दे सकते हो। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अब दलिये की क्योंकि मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में मैक्सिमम अगर ब्रेकफास्ट में कुछ पसंद है तो वो है पतंजलि का दलिया। तो यहाँ पर मैंने दलियों को थोड़ा सा देसी घी में रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और पानी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसको खुला ही अच्छे से बॉयल होने देती हूँ। अच्छा, पहले मैं बहुत बहुत कोशिश करती थी कि पतंजलि का दलिया 1 घंटे तक गलता नहीं था, बट अब मैंने क्या किया ना, उसको मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया तो थोड़ा वो पतला हो गया, बारीक हो गया, तो उसको बनने में मुश्किल से मतलब 1.5 घंटे से तो वो पहले ही बन जाता है, 20 से 25 मिनट में वो बन जाता है। तो ये भी एक मेरा टाइम बचने लगा है मॉर्निंग का। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, मॉर्निंग में जिसको जो खाना है वो खाओ, और दलिया तो खैर बच्चे और मैं हम दोनों ही पसंद नहीं करते। तो हमारे लिए है इडली सांभर और हस्बैंड के लिए है दलिया। और यहाँ पर मेरा जो सांभर है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। यहाँ पर इडली बनके एकदम तैयार हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर आपको इडली को पहले चेक कर लेना है, अगर बैटर चाकू पे चिपक जाए तो आप समझो अभी कच्ची है, और अगर वो नहीं चिपके तो ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो
यहाँ पर मैं मोल्ड में से सारे इडली को प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि मैं दूसरा वाला सेशन स्टार्ट कर लूँ इसमें, क्योंकि अभी ये जो है 16 इडली बनी है तो अभी ये और इडली इसमें बन सकती है। अभी मेरे पास काफ़ी सारा बैटर जो है बच चुका है। हर कोई जो इडली है ना वो 3 या 4 ही खाता है, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं खाता एटलीस्ट मेरे घर में, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ही इडली बनाती हूँ। और अगर कुछ बैटर बच जाए तो मैं डोसा बनाने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर देखो आप सांभर जो है अच्छे से बॉयल हो चुका है, बस अब मैं इसका एक छोक तैयार करूँगी और वो छोक इसमें डालने के बाद आपका सांभर एकदम रेडी हो जाएगा। और बहुत ही आसान सा छोक है, कोई ज़्यादा इसमें तड़के भड़के वाली चीज़ नहीं है। मैंने क्या किया है, ऑयल लिया है, उसमें सरसों ऐड की है और फिर उसके बाद करी पत्ता ऐड कर दिया और थोड़ी सी लाल मिर्च और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला और आमचूर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। अगर आपने इमली ऐड नहीं की इन दैट केस आपको आमचूर ऐड करना है। और ये आपका छोक लग गया सांभर में, और सांभर में छोक लगने के बाद अच्छे से मिला लेना है, एक अच्छा सा बॉयल देना है। मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को ये सांभर खिलाने के लिए घिया को एकदम मैश कर देती हूँ इस तरह से हैंड ग्राइंडर से। तो आप वो भी कर सकते हो, अगर एकदम आपको घुटा हुआ सांभर बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा मैश कर देती हूँ, थोड़ा सा छोड़ देती हूँ क्योंकि हस्बैंड को भी तो खिलाना है थोड़ा सा। तो उसके बाद मैं इसको एक अच्छा सा बॉयल देती हूँ, मतलब 10-15 मिनट तो आपको सांभर को ज़रूर पकाना है। तो उसका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है अगर आप उसको ओपनली पकाओ इस तरह से। तो यहाँ पर इडली सांभर भी मेरा रेडी हो चुका है। और हमारे घर में जो फर्स्ट मेम्बर है जो ब्रेकफास्ट करती है वो है हमारी डोडो। डोडो हाँ? क्या खा रहे हो? इडली सांभर। आपको अच्छा लगता है? हाँ? या डोसा ज्यादा अच्छा लगता है? डोसा। और क्या कर रहे हो आप लैपटॉप पर? डोडो खाना खाए और साथ में मूवी ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखते हैं डोडो देख के आ रही है। कौन सी मूवी है ये डोडो? Just that magic. कैसे मुमकिन है? बगीचे को जिंदा करने का मतलब है बुक आपको छोड़कर चली जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो तेज रोशनी क्या थी? बुक को हमें कुछ तो बताना चाहिए था। बुक वैसे तो कमाल की है पर दलिया खाओगे? नहीं। यहाँ पर मैं मम्मी के साथ मजाक कर रही हूँ क्योंकि उन्हें दलिया खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद है नहीं। और मैं पूछ रही थी कि आपको वो खाना है तो मैं दे दूँ, तो कह रही हैं कि नहीं मैं यही खा लूंगी। तो ये है मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दलिया बनवाया उन्होंने।